হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমরা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স 21st অফ মার্চ কা দেখেঙ্গে। দোস্ত, ইয়ে যো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আপ দেখ রে হো, ইয়ে ইসকা পিডিএফ তো পহলে আপকো স্টুডেন্ট ফরমাইশ ইউটিউব কে টেলিগ্রাম চ্যানেল মে আপকো মিল জায়েগা। আর ইয়ে যো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কে যো কুইজ লিয়ে গয়ে হ্যায়, স্টুডেন্ট ফরমাইশ ইউটিউব যো টেলিগ্রাম চ্যানেল হোতা হ্যায় হামারা, উসমে নোটস পহলে আতা হ্যায় আর উসি নোটস পে বেসড ইয়ে কুইজ হোতা হ্যায়, তো ইয়ে বেস্ট রিভিশন আপকা হো সকতা হ্যায়। दूसरा चीज़ है कि इन केस यू आर प्रिपेरिंग फॉर SBI, तो उसका मेंस का कैंप आ गया है केवल 169 रुपीज़ में। आपको ढेर सारे चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि इंग्लिश रीजनिंग मैथ्स के टारगेट्स मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ मैथ्स मिलेगा, एक एक्स्ट्रा प्राइवेट टारगेट ग्रुप स्टडी ग्रुप होगा 169 रुपीज़ में। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है मार्च 20 को मनाया जाता है, और इस बार जो थीम था यूनाइट फॉर माउथ हेल्थ, यूनाइट फॉर माउथ हेल्थ। पीके बनर्जी ही रिसेंटली पास्ड अवे, वो काफ़ी बीमारी से जूझ रहे थे, तो वो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? सो ही वॉज ए ग्रेट फुटबॉलर, राइट, ही वॉज ए ग्रेट फुटबॉलर। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कौन से दिन को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च 21 को, और इस बार जो थीम था वो था वी डिसाइड, राइट। बेसिकली वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे क्या होता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें लोगों को कहा जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें इन डिसीजन मेकिंग, राइट। जिनको ये सिंड्रोम रहता है, ये डिजीज रहता है, तो वो डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो दे आर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, ओके। तो इसी सिलसिले में मनाया जाता है ये। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड सैनिटरी पर्सनल एज क्लीनिनेस वर्कर्स, राइट। क्लीनिनेस वर्कर्स जो डिक्लेयर किया गया है वो तमिलनाडु के सरकार से किया गया है। इसका जो कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवरी लाल पुरोहित जी, और तमिलनाडु के कुछ अगर नेशनल पार्क अगर आप याद रखना चाहते हो तो अन्नमलाई, जहाँ पे मलाई लिखा गया तो आप समझ जाइए कि तमिलनाडु है, मुदुमलाई, अच्छा अन्नामलाई इज ऑल्सो कॉल्ड इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मराइन नेशनल पार्क, ग्यूंडी नेशनल पार्क। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च ए पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम एंड ई नाइट ब्रेकिंग चेकिंग सिस्टम? पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम और ई नाइट बीट चेकिंग सिस्टम कौन सा सरकार ने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है, जयराम ठाकुर जी हैं सीएम, बंदारू दत्तात्रेया इज द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस किसने लिखा हुआ है? जो ये जो लिखा है तवलीन सिंह जी ने लिखा है। वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर, राइट, फॉर चिल्ड्रेन एंड यंग पीपल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्च 20 को, वर्ल्ड डे ऑफ थिएटर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल। यस बैंक के अब एडिशनल डायरेक्टर कौन बने हैं? आफ्टर राणा कपूर पहले थे, उसके बाद कौन आए थे मुझे आप कमेंट के बॉक्स में बताइएगा, और उनके बाद ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया है दोस्तों आर गांधी जी को। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और टैगलाइन जो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। एंड बाय द वे यस बैंक इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। वर्ल्ड पोइट्री डे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था 1999 में, अब ये कब मनाया जाता है? 21st मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड पोइट्री डे। किन्होंने मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट था उसको रिजाइन कर दिया है? एक भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ जी ने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। कौन से फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने वोल्केनिक 7 समिट, है ना, और ही हैज आल्सो बीन नॉमिनेटेड फॉर द कोविटेड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स? जब भी आपको समिट के बारे में, समिट इन द सेंस जो माउंटेन क्लाइम करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान में, हमेशा इनका नाम याद आता है,
सत्यरूप सिद्धांत. सो ही हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द कोविटेड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 2020 कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को, और थीम क्या था इस बार? बायोडायवर्सिटी था. और ये जो हेडक्वार्टर है ये है इटली रोम में, और इसके जो डायरेक्टर हैं क्यो दोंगियो. कौन से कंट्री ने वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री रैंक किया है? माफी चाहता हूं, कौन से कंट्री को वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री रैंक मार्क किया गया किसके द्वारा? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के द्वारा. देखिए यहां पे सवाल ऐसे भी आ सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 कौन पब्लिश करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, राइट? तो ये जो है वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फिनलैंड. और इसके जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? एंटोनियो ग्यूटेरेस. लोकसभा में एक बिल पास किया गया है किस चीज का? टू कन्फर द स्टेटस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, INI, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. किसको? कुछ IITs को, मतलब IIITs, नॉट IITs, कुछ IIITs को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जो स्टेटस है वो डिक्लेयर किया गया है. तो कितने ऐसे IIITs हैं? ये हैं 5. हु विल चेयर द फाइनेंस कमीशन कमिटी टू रिव्यू फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ द गवर्नमेंट? तो ये जो लीड करेंगे ये हैं एनके सिंह. हु हैज प्लेस्ड 2 लाख USD देगा COVID-19 एमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए? कौन इसको फंड को बनाया है? सार्क नेशंस ने मिलकर बनाया है. तो इस सार्क नेशंस को $2 लाख फंड दिया जाएगा COVID-19 के लिए. तो ये जो कंट्री है मालदीव्स, मालदीव्स प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, और माले कैपिटल है, करेंसी मालदीवियन रुपया. वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने कितना लोन, लोन तो नहीं बता सकते, एक मदद राशि दिया है पाकिस्तान को ताकि वो कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन से ओवरकम कर पाए खुद को? तो 588 मिलियन डॉलर, दिया है पाकिस्तान को. पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान है, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं, और करेंसी पाकिस्तानी रुपी, कैपिटल इस्लामाबाद. अब कोरोना वायरस के चलते मार्केट में काफी इनस्टेबिलिटी हो रहा है, तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो हाउ मेनी करोड़ ऑफ मनी वो इस मार्केट में, यानी इंडियन मार्केट में वो इन्फ्यूज करेगा. तो ये जो है 30,000 करोड़ इन्फ्यूज करेगा. ये भी आपको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि 2022 तक 75 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाए, राइट? सीडबी ने डैश एक्सप्रेस स्टार्ट किया है फॉर बडिंग एंटरप्रेनर्स विथ द फोकस ऑन प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. स्वावलंबन, स्वावलंबन, राइट? तो सीडबी का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ है, 2 अप्रैल 1990 में फाउंड किया गया था, और इसके जो एग्जीक्यूटिव हैं मोहम्मद मुस्तफा है, ही इज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर. द लास्ट क्वेश्चन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके, इन्होंने एक ब्रिज बनाया है, कौन सा नदी के ऊपर बनाया है? इन नॉर्थ सिक्किम, ओपन फॉर ट्रैफिक नॉर्थ सिक्किम में. तो ये तीस्ता नदी के ऊपर इन्होंने ब्रिज बनाया है. इसका जो इनके जो माफी चाहता हूँ इनके जो डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी हैं. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो पे. तब तक ले जय हिंद, जय भारत. शबा के लिए बिल्कुल ध्यान रखिएगा. टेक केयर, बाय बाय.